दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। मकसूदा सब्जी मंडी में स्थित ढाबे पर देर शाम कुछ हमलावरों ने जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करते हुए हमलावरों ने ढाबा मालिक सहित तीन लोगों को जख्मी कर दिया। ढाबा मालिक का आरोप है कि एक हमलावर अपने आप को थानेदार और दूसरा हमलावर अपने आप को वकील बता रहा था। हालांकि सेल्फ डिफेंस के लिए ढाबा मालिक ने दो हवाई फायर भी किए, जिससे हमलावर और ज़्यादा उग्र हो गए। वह जाते समय ढाबा मालिक के हाथों से रिवॉल्वर छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी अवनीत कोंडल, थाना एक के प्रभारी बलबीर सिंह सिविल अस्पताल में पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी अवनीत कोंडल ने बताया कि ढाबा मालिक ने उन्हें जो भी शिकायत दर्ज करवाई है, उसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल जिन हमलावरों ने वहां हमला किया, उनकी छानबीन की जा रही है कि वह थानेदार और वकील हैं या नहीं। इसके साथ साथ यह भी जांच की जा रही है कि ढाबा मालिक के पास शराब पिलाने का लाइसेंस है या नहीं। शाम को 6:30 बजे सामने मुझे फोन किया कि 7-8 बंदे आ गए दुकान पे, गाड़ी यूज कर रहे हैं। जब मैं दुकान पे पहुंचे हैं, एक बंदा अपना थानेदार कहता है जरा सारे ना कोई 4 बजे पहला सारे ना कोई 4:30 बजे सारे ना पहला भी सारे ना कोई पुलिस आके गया सीगा। वो बंदे ले गया कि ना हूँ सब सारा मैं थानेदार हाँ, उन्हें ना 7-8 बंदे उन्होंने आते हैं मेरे कर दिता तो मेरे उन्हें शरीर के खड़े मारे। जो मैं अपने डिफेंस वास्ते अपना लाइसेंस भी पकड़ लिया, मैं हवाई दो बहन किए पिछों आ के बंदे मेरे फिर फिर मारी। वो एक बंदा सी जरा साढ़े को काफ़ी जगह आता, वो 167 नंबर शांति बैर रहा वकील है अपने कहना वकील है। 4 बजे एक लवली ढाबा है एक नंबर थाने एरिया मकसूदा मंडी, उनका जोड़ा ओनर है परमजीत सिंह, उन्हें दसिया कि अराउंड 4:30 बजे एक एडवोकेट के नाल कहता था कि कोई थानेदार है वो उत्थे आए थे खाना पीना खाने तो ड्रिंक भी कर रहे थे। तो जब ये फादर ने परमजीत ने उन्होंने बिल फड़ाया तो वो लड़न लग पे कि असं बिल पेमेंट नहीं करनी। दोबारा आए 7-8 बंदे लैके तो इन्हे जो स्टाफ है उन्होंने फादर नाल मार कुटाई कर रहे थे। फिर किसी स्टाफ ने इन्हू फोन किया उन्होंने कि थोड़े इतना झगड़ा हो रहा। तो जो आया कहता कि मैं हमेशा अपना लाइसेंस वेपन नाल रखता, तो वो फादर ने जो घेरिया होया देख के उन्हें डिफेंस हवा च फायर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।